के मीडिया के थ्रू बता देना चाहता हूं कि जो लोग यहां पर बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं उसको भी बहुजन विकास अघाड़ी बहुत जल्द जगाएगी और महानगर पालिका में जरूर 2022 में चुनाव हो या 23 में, वहां बहुजन विकास अघाड़ी सबसे से आएगी। मैं इतना चैलेंज करता हूं आपके सामने। और बता दूं जो पब्लिक की समस्या यहाँ पर है वो लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पदाधिकारी, उनका भी एक ही कहना है कि बहुजन विकास अघाड़ी को महानगर पालिका में लाने के लिए हमको जिस हद तक गुजरना होगा हम इंशाल्लाह ताला उससे गुजरेंगे, मगर जनता के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है ये बहुत जल्द बंद करेगी बहुजन विकास अघाड़ी। मैं ये चीज आपके सामने चैलेंज करता हूँ। ये पार्टी में हमको सीमा मैडम का काम और उनकी उत्सुकता ज्यादा अच्छी लगी। वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है, आगे बढ़ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ये इंतजार नहीं करती कोई महिला मेरे पास आए तो ही मैं करूँ, वो खुद होकर भी महिलाओं की मदद करने जाती है। उनका ये उत्साह हमें ज़्यादा अच्छा लगा और हमें प्रेरणा दिया कि हम उनके साथ जुड़े, इसलिए हम इस पार्टी में जुड़े। मेरा काम देख के, बहुजन विकास अघाड़ी का काम देख के मेरे साथ में जुड़ रहे, पार्टी के साथ में जुड़ रहे। और जहाँ तक है मैं भी महिला लोगों को आश्वासन देती हूँ कि जो भी उनको सहायता की ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। आज भिवंडी के कारोली रोड दीवान शामी बहुजन विकास अघाड़ी की पार्टी ऑफिस पर बहुजन विकास अघाड़ी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी और महिला कार्य अध्यक्ष सीमा सोनार के नेतृत्व में 5 महिलाओं की पद पर नियुक्ति की गई, जिनमें सुषमा जैन महिला उपाध्यक्ष, सपना भांदककर महिला सचिव, सारिका राजपुरकर महिला महासचिव, पूजा राजभर महिला सह सचिव और उपसाना अंसारी महिला पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। वहीं आपको बता दें कि बहुजन विकास अघाड़ी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी और महिला कार्य अध्यक्ष सीमा सोनार के काम को देखते हुए अब तक सैकड़ों महिलाएं पार्टी में शामिल हो चुकी है। क्या है पूरा मामला आइए देखते हैं। महिलाएं और महिलाएं आपको पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या देखते लोग जुड़ रहे? सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे पत्रकार मीडिया भाई जो है जो सच्चाई जो रहती है भिवंडी को सबको दिखाते हैं, सबकी तकलीफें दूर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के दर्द छुपा हुआ ओपन करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा बहुजन विकास अघाड़ी एक ऐसी पार्टी है, ना तो भेदभाव, ना जातिवाद, ना कुछ कोई धर्म, सिर्फ बहुजन का मतलब होता है सबको लेकर चलने वाली पार्टी। तो बहुजन विकास अघाड़ी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री जितेंद्र जी ठाकुर साहब, उन्होंने आज वसई विरार नाला सुपारा जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने जैसा बना के दिया है, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि भिवंडी में जो खस्ता हालात है, जो कई पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है काम नहीं कर रही है, उसको देखते हुए जो महिलाएं हमसे उम्मीद लगा के पार्टी में जुड़ी हैं और जो युवा लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही जो उनके अंदर उम्मीद है कि बहुजन विकास अघाड़ी काम करेगी, तो बहुजन विकास अघाड़ी उनके उम्मीद से कई ज़्यादा काम करेगी भिवंडी के अंदर। वो मैं आपको आपके मीडिया के थ्रू बता देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं उसको भी बहुजन विकास अघाड़ी बहुत जल्द जगाएगी और महानगर पालिका में जरूर 2022 में चुनाव हो या 23 में, जो भी अभी रेगुलर चालू है प्रोसीजर, जब भी चुनाव का महानगर पालिका का, वहाँ बहुजन विकास अघाड़ी सत्य से आएगी। मैं इतना चैलेंज करता हूँ आपके सामने। और बता दूं जो पब्लिक की समस्या यहाँ पर है वो लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, जनता के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है ये बहुत जल्द बंद करेगी बहुजन विकास अघाड़ी। मैं ये चीज आपके सामने चैलेंज करता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है में जिम्मेदार? देखिए वो मंच पे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को मंच पे आरोप लगाते हैं, वो दिल से आरोप नहीं लगाते हैं। जिस दिन दिल से आरोप लगाना चालू कर दिया विरोध में बैठ गए, उस दिन भिवंडी अगर नहीं कांच का बन गया और रोड आना जाना लोगों को फैसिलिटी मिली, लोगों की जो समस्या है जो निधि है वो बराबर अगर पब्लिक को मिलने लगी तो वो दिन दूर नहीं कि भिवंडी भी सुधर जाएगा और वसई विरार बन के रहेगा। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अब की बार बहुजन विकास अघाड़ी पूरी तरीके से उतरेगी और जिस जिस वार्ड के अंदर, जो भी वार्ड है भिवंडी के अंदर, कितना भी 103 या एक सीट है अभी कंफर्म नहीं, अभी 3-4 का पैनल ही चल रहा है, वो कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा कितने का वार्ड, वो तो कन्फर्म नहीं, लेकिन जितने भी वार्ड हैं अब की बार बहुजन विकास अघाड़ी हर वार्ड से उतरेगी और बहुत ही अच्छे मार्क से चुन के आएगी कॉर्पोरेशन सीट में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए कॉर्पोरेटर हैं जो भी महानगर पालिका के अंदर चुन के गए हैं एक भी काम नहीं किए,
तो इसके लिए बहुजन विकास अघाड़ी को भिवंडी में अगर अच्छी तरह पैमाने पे लाना है तो वसई विरार बनाना है, तो पब्लिक को चुन के अपनी बात देना है। महिला मेरे बहुजन विकास अघाड़ी के तरफ से मैं महिलाओं का बहुत स्वागत करती हूँ कि महिलाएं मेरा काम देख के, बहुजन विकास अघाड़ी का काम देख के मेरे साथ में जुड़ रहे, पार्टी के साथ में जुड़ रहे। और जहाँ तक है मैं भी महिला लोगों को आश्वासन देती हूँ कि जो भी उनको सहायता की ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपको काम ही करना है तो आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यही पार्टी आपने की ज्वाइन? ये पार्टी में हमको सीमा मैडम का काम और उनकी उत्सुकता ज़्यादा अच्छी लगी। वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है, आगे बढ़ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ये इंतज़ार नहीं करती कोई महिला मेरे पास आए तो ही मैं करूं, वो खुद होकर भी महिलाओं की मदद करने जाती है। उनका ये उत्साह हमें ज़्यादा अच्छा लगा और हमें प्रेरणा दिया कि हम उनके साथ जुड़े, इसलिए हम इस पार्टी में जुड़े। हमने बहुजन विकास पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि सीमा मैडम का काम हमको ज़्यादा बेहतर लगा इसकी वजह से, और उनके लिए हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं कि ताकि और लोगों को भी इससे उम्मीद हो और लोग इस इनको देख के, ये पार्टी को देखकर और लोग अपने कदम से कदम मिलाए और हमको कामयाबी मिले हर कदम पर।